अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हो जाएगा, ये भी निकाले आप देख लीजिए। यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने डाई के लिए देने थे और फर्स्ट टाइम मैं इनसे डाई करवा रही हूँ। ये सदर बाज़ार ही में है। वैसे तो मैं घर के पास करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं इनको दे देती हूँ, देखती हूँ कि इनकी क्वालिटी, मतलब जो डाई करने की है तो वो कैसे हैं। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में एक ऐसे कपड़ों की क्वालिटी वैरायटी दिखाऊंगी जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फ़ौरन से मैंने इनमें दो सूट ले लिए हैं। ये सारे के सारे डाई हुए हैं क्योंकि ये वाइट में आते हैं, वाइट कपड़े में। अगर आप लोग जाते हों जो ये डॉट जूनियर जमशेद, तो आप लोगों ने वहाँ पर देखे होंगे इस तरह की शर्ट दुपट्टा जिनके ऊपर ऐसा लगता है कि मुकेश हुआ है, हालाँकि उन पर मुकेश नहीं हुआ। और ये कपड़े बहुत ज़्यादा फैशन में है। यकीन करें कि वहाँ पर उसकी प्राइस तकरीबन 12,000 रुपये से स्टार्ट है अनस्टिच में। सिर्फ दुपट्टे पर इस तरह की जो कहते हैं कि मुकेश है, हालांकि मुकेश नहीं है, 12,000 से इनकी कीमतें स्टार्ट है और फिर जाकर जो है तो उससे बढ़ती जाती है। और यहाँ पर बहुत मुनासिब प्राइस में आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब इसमें माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन आ चुके हैं। अब ये वाला डिज़ाइन देखिए, ये बिल्कुल आपको मुकेश में भी इस तरह का ही डिज़ाइन मिलेगा। और उसकी कीमत तकरीबन दुपट्टे की और शर्ट की कीमत 20,000, 22,000, 15,000 की रेंज में आपको मिलेंगे। और ये भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है, मतलब दूर से आप लोग ऐसे लगेगा जैसे आपने मुकेश का कोई कीमती सूट पहना होगा, हालांकि वो इतना महंगा नहीं होगा। तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं इसमें शर्ट दुपट्टे एक ही जैसे ले लूँ, मतलब फुल सूट ले लूँ। और मुझे कुछ लंबी शर्ट के लिए भी चाहिए था। तो ये वाइट में आते हैं, ये हर कलर में डाई हो जाते हैं और इसको अक्सर लोग बटन मुकेश भी कहते हैं, गोल्डन कलर का। इस तरह के कपड़े भी मैं ले चुकी हूँ। एक मेरी कस्टमर थी जो कि इस्लामाबाद में रहती थी, उनके लिए मैंने इस तरह का एक सूट लिया भी था जिसके ऊपर बटन मुकेश हुआ था, वो भी गोल्डन कलर का। तो इस तरह के कपड़े जे डॉट पर आप लोग अभी भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है इसमें वेराइटी, मतलब इसमें डिज़ाइन इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे इनके पास के बस वक्त नहीं था। हालाँकि सारे के सारे डिज़ाइन में कोशिश करी कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। بله نو سردی سر بکم کمی سیدا کم سر بکم دما خوښ شو دي سر تاسو خوښه دي سر دا کمی سوال هاندا و سر خل نو اسبه را سره کښ और दूसरे ये कि कपड़ा थान में होता है, आपको जितना भी चाहिए हो, चाहे मैक्सी के लिए, लहंगे के लिए, साड़ी के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस कपड़े में भी इतनी प्यारी सी शाइन थी, हालांकि कुछ ग्रिप टाइप का लग रहा था। इसके साथ वाइट ग्रिप की शलवार भी इन्हीं के पास थी, तो खैर मैं तो फिलहाल शलवार नहीं ली। ये आप देख सकते हैं कि ये दुपट्टा भी बहुत प्यारा था। मुख्तलिफ डिज़ाइन है, आप कोई भी मैचिंग करके दुपट्टा और शर्ट ले सकते हैं। तो ये डाई भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी कलर आप इसको डाई करवा सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको डाई वाले दिखाए हैं, नहीं तो आप वाइट में भी इस तरह पहन सकते हो। अब तो किसी पे ब्रांड पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक लोकल बाज़ार से हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है। थोड़ा आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ा आपको घूमना पड़ता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये शॉप्स कहाँ पर है, तो वही देख ले, घूम ले, ढूंढ ले। शॉप्स सारी की सारी सदर बाज़ार ही में है, हर जगह आपको इस तरह के कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन यह है कि क्वालिटी हर जगह की डिफरेंट होती है। मैं तो जहाँ से लेती हूँ तो इनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। तो मैंने इनमें से दो सूट ले लिए हैं, बस आप ही जल्दी से ऑर्डर दे दें अगर लेने हैं कोई भी डिज़ाइन इसमें, क्योंकि कपड़े काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे शिंगाई की बात आ गई, शिंगाई के कपड़े पर जो थे तो उसमें ब्लू कलर सब मांग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें ब्लू चाहिए शर्ट फुल सूट, मगर उसमें अब कोई भी कलर नहीं है। अब उसमें दो नए कलर आ गए हैं, एक पर्पल कलर, एक पिंक कलर, शॉकिंग पिंक कलर, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं फ़ौरन से अपने लिए भी ले लेती हूँ, फिर आप लोग को भी वही चीज़ पसंद आती है। क्योंकि शंघाई मुझे पसंद आई थी, मैं ले ली थी, उसके बाद ये वाले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे तो ये भी मैंने ले ली। फिर घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से दो डिज़ाइन लिए हैं, क्योंकि एक अक्सर मैं जूनियर जमशेद में देखती थी और मेरे दिल में ये था कि ये मैं लूँगी इंशाल्लाह, लेकिन वो काफ़ी महंगे बन जाते थे तो इस वजह से मैं छोड़ देती थी। शर्ट
अब यहाँ पर आ गई है मैचिंग करने की बारी। जब मैं बुरुशिया वगैरह के कपड़े लेती हूँ या कोई भी कपड़े लेती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इधर मैचिंग भी कर लूँ, जैसे कि ये सदर बाज़ार में बेसमेंट में ही शॉप्स हैं इनकी, और यहाँ पर हर किस्म का कपड़े के मैचिंग आप लोगों को मिल जाएगा। अब मैं जा रही हूँ जहाँ पर मैंने वो अफगानी ज्वेलरी वगैरह देखी थी, उसमें मुझे कुछ ऑर्डर थे सेट लेने के लिए, तो मैं वहाँ जा रही थी और ये सारे के सारे उन्होंने मेरे सामने रख दिए थे। यहाँ पर मैं इनका कार्ड भी शो कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने इस तरह की ज्वेलरी लेनी है तो इनके पास ढेर सारी वैरायटी है। कुछ इनके पास एंटीक में है, कुछ इनके पास ऐसे हैं कि इन्होंने हाथ से बनाए हुए हैं। काफ़ी मेहनत होती है इन सेटों पर, और मुझे नहीं पता कि ये लोग पहनते हैं या नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो एक लेडीज़ आई थी, उन्होंने 2-3 ले लिए थे। अच्छा, मुझे ये वाला लेना था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, हालाँकि वजनी भी बहुत ज़्यादा था। एक मुझे ये वाला लेना था। ये फुल मार्केट जो है तो अफगानी कपड़ों की मार्केट है, और ये एक फ्रॉक की 18,000 और 20,000 का बोल रहा था। वैसे बोल भी सही रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी काम था, लेसे वगैरह भी बहुत महंगी होती है, फिर इनकी जो सिलाई होती है वो भी सबसे डिफरेंट होती है। तो खैर, यहाँ से मैंने ले ली थी अब ज्वेलरी। अब मैं बाहर निकल आई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी मेरा थोड़ा और भी काम रहता है, मगर मैंने सोचा कि चलो प्यास लगी हुई थी तो यहाँ पर कुछ जूस वगैरह था नहीं, तो ये सामने आइसक्रीम वाला है, तो हमने कहा अंदर बैठ के हम ज़रा आइसक्रीम ही खा लेंगे। आज हमारी शॉपिंग कुछ ज़्यादा थी, कुछ हम लोगों ने चीज़ें वगैरह ले ली हैं, अब बैठ गए हैं आइसक्रीम। हालांकि मुझे बाज़ार में कुछ खाने पीने का इतना ज़रा मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी होती है जब अब बाहर निकलते हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अब पानी की बोतल कौन फेराएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास इतने ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसी आइसक्रीम आई है तो खाते खाने से पहले ही वो पिघल रही थी क्योंकि पंखे उन्होंने फुल लगाए हुए थे। अब ये ज़री बुरुशिया में है, इन कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मैं कहीं इस तरह के सूट ले चुकी हूँ, डिस्पैच कर चुकी हूँ, आपके रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब ये वाला भी बहुत प्यारा था, ये प्रिंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कलर बाकी भी काफ़ी ज़्यादा थे। मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको कपड़े की पहचान हो जाए, फिर ईजी हो जाता है कपड़े लेना, क्योंकि जब करीब से बंदा कपड़ा देखता है तो तब उनको पता चलता है कि किस टाइप का कपड़ा है। ये हर किसी की अपनी चॉइस पर होते हैं, मतलब कोई इसे दुपट्टा लेते हैं, कोई नहीं लेते, सिर्फ शर्ट लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल में दुपट्टा तो जरा से फिसलता है, लेकिन अगर फ्रॉक के लिए, मतलब किसी भी कपड़े के लिए, इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर भी, ये भी ज़री ब्रोशे ही है, इसके अंदर ये देख सकते हैं सारे के सारे स्टोन लगे हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और मुझे तो ये वाला वाकई अच्छा लग रहा था, ये तो मैं बार बार देख रही थी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक नया डिज़ाइन नज़र आ रहा था, मैं उनको कह रही थी कि ये वाले कलर में आपको करीब से मैंने दिखाए हैं। अच्छा जी, ये भी ज़री ब्रोशे हैं, मगर इसके ऊपर सारे के सारे स्टोन लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं सिंपल स्टोन के अलावा भी ले चुकी हूँ, स्टोन के साथ भी ले चुकी हूँ, अब इसमें कलर और डिज़ाइन साथ साथ आते रहते हैं, और यकीन करें कि एक हफ्ते बाद फिर इसमें कुछ भी नहीं बचता, फिर आप लोग लेट मैसेज करते हो, पूछते हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की क्वालिटी आज फिर दोबारा से दिखाई है, वैरायटी दिखाई है। ये येलो भी बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें कुछ ही कलर थे, और अगर आप लोगों को लेने हैं तो जल्दी से ऑर्डर किया करें ताकि आप लोगों को वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद आप सोचते हो, मतलब ये सोचते हो कि ले या ना ले, कपड़ा कैसा होगा, काम कैसा होगा, और फिर उसमें यह हो जाता है कि कपड़ा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया था, और यह सदर बाज़ार, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं जो पाकिस्तान से बाहर है, जो ताल्लुक़ पाकिस्तान से रखती हैं और फिर पेशावर की रहने वाली है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको पेशावर की सैर करवाती हूँ या पेशावर के बाज़ार वो देखते हैं। तो खैर, बस यहाँ पर सारी शॉपिंग मैं दिखाती हूँ, मैंने कहा कि दिखा भी दूँ ताकि फिर अगर कुछ टेलर को देने होते हैं, कुछ पार्सल मुझे डिस्पैच करने होते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को ज़रा जल्दी होती है, मतलब कपड़े का ऑर्डर देने में 2-3 दिन लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आपका आता है तो आप फ़ौरन से कहते हो कि बस ये मुझे कब मिलेगा और कब मिलेगा। चले, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये लास्ट सूट है शेंगाई का, मतलब लास्ट तो खैर नहीं है, मगर ये कलर लास्ट है, ये ब्लू कलर लास्ट है। इसमें आपको बाकी कलर मिल जाएंगे, बल्कि 2 कलर इसमें नए भी आए हैं, मगर ये ब्लू की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हर किसी को ब्लू ही पसंद आ रहा था, तो बस ये लास्ट में गई हूँ तो ये एक सूट रह गया है। ये कपड़ा भी ज़रा ज़्यादा था क्योंकि जिनके ऑर्डर थे उनको ज़रा ज़्यादा लॉन्ग शर्ट बनानी थी,
तो बस आप जो भी ऑर्डर करेगा तो ब्लैक उनको मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा। अभी इसमें एक पर्पल कलर है, एक पिंक कलर है, शॉकिंग पिंक, वो भी बहुत प्यारा कलर है। तो उसमें अभी आपको मिल जाएंगे। ये सूट भी मैं काट के लाई हूँ, ये भी फुल सूट है, मतलब फुल कमीज़ और शलवार का कपड़ा है। तो ये तकरीबन 3.25 गज़ की हम शर्ट देते हैं, तो फिर उस हिसाब से 6.5 गज़ का एक सूट बन जाता है। तो बस मैंने ये भी ले आई हूँ आज, और इनको भी इंशाल्लाह जिन जिन के हैं पार्सल तो उनको डिस्पैच कर दूँगी, क्योंकि ये वाले कपड़े बहुत आप लोगों ने पसंद किए हैं और फ़ौरन से इसके ऑर्डर इतने आए हैं कि कपड़ा ही ख़त्म हो गया है, मतलब ये कलर ही ख़त्म हो गया है। तो बस अच्छी बात है, जिनको पहचान है कपड़े की, जो क्वालिटी देखता है, कलर देखता है, जिसको पता होता है कि इस तरह कपड़े हमें फिर मिलने वाले नहीं है, तो उन्होंने तो मौके से फ़ायदा उठा लिया, उन्होंने तो कपड़े ले लिए हैं। और बस जो सोचते रह गए तो वो सोचते ही रह गए। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाले कपड़े मैं दिखा रही हूँ जो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको स्पेशली दिखाए हैं, क्योंकि ये न्यू कपड़े हैं, जे डॉट वाला डिज़ाइन है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, इस वजह से फ़ौरन से मैंने दो सूट उठा लिए। क्योंकि ये भी कभी कभी इस तरह होता है, कोई सूट आपको पसंद आता है, कोई डिज़ाइन फिर उसमें वो नहीं होता। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ, ये है मुकेश, लेकिन मुकेश नहीं है, ये मुकेश ही की तरह है, और कपड़ा भी इसका बहुत प्यारा कपड़ा है। अच्छी बात यह है कि हर कलर में डाई हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, इसको वैसे बटन मुकेश कहते हैं, और ये इतनी मजबूती से इसके ऊपर लगा हुआ है, कहते हैं कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा, मगर इसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब डाई करते हैं, डाई करने में भी पता चल जाता है जो चीज़ बेकार होती है, तो वो डाई करने के बाद ख़राब हो जाती है, क्योंकि डाई जो करते हैं तो गर्म उबलते हुए पानी में उसको डालते हैं, तो जो चीज़ ख़राब नहीं होती, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुकेश भी काली हो जाती है कभी कभी, मेरा ख़ुद एक सूट था वो भी कुछ अर्से बाद इस तरह उसका कलर ख़राब हो गया था, इसको दोबारा से कहते हैं पॉलिश करते हैं, तो वो इतना महंगा भी पड़ जाता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, मतलब 20,000 से लेकर उसके रेंज होते हैं, जो काफ़ी भरे हुए हैवी मुकेश होते हैं। तो फिर क्यों ना बंदा इस तरह की कोई चीज़ ले ले जो काफ़ी मतलब सस्ती आपको मिल जाती है, और ख़राब होने का तो नाम ही नहीं होता। मतलब क्या, इस तरह के कपड़े लोग 2-3 दफ़ा ही पहनते हैं और फिर कहते हैं कि बस अब तो सब ने देख लिए हैं इसका फ़ैशन, तो अब ये होगा कि मैं बार बार पहनूंगी तो लोग कहेंगे तो वही पुराने के पुराने कपड़े हैं। तो यहाँ से मैं इसको खूब दबा दबा के हटा रही थी, मैं ख़ुद कोशिश कर रही थी क्योंकि ये हट जाए, एक तो हट जाए, लेकिन एक भी नहीं हट रहा था, बल्कि कपड़ा ख़राब हो रहा था, तो खैर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, वो ये वाला जो है, जो जिसको बटन मुकेश कहते हैं, ये मैंने फुल सूट लिया है, 5.5 गज़ का मैंने लिया है, वैसे वो लोग 5 गज़ का देते हैं, मगर मैंने 5.5 गज़ लिया है क्योंकि मुझे लॉन्ग शर्ट चाहिए थी, और दुपट्टा भी तो वो मैंने काटा नहीं है, और ये वाले भी मैंने 5.5 गज़ के हिसाब से, मतलब कमीज़ का कपड़ा मैंने 3 गज़ लिया है, 2.5 गज़ वो देते हैं, मैंने 3 गज़ लिया। ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है, इस तरह की अगर ये इसको भी मैं कलर करूँगी, वैसे इसको आप लोग 2 कलर में डाई करवा सकते हो, इसको आप टाई डाई भी करवा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। चलो इंशाल्लाह जब मैं इसको कलर करूँगी उसके बाद भी आपको दिखाऊँगी, वैसे शॉप में तो मैंने आपको दिखा दी थी कि इसको भी कलर किया हुआ था उन्होंने। अच्छा जी, तो भाई ये इस तरह फुल बूटियाँ सी बनी हुई हैं, मतलब फ्लावर बने हुए हैं, और काफ़ी भरा हुआ, ये भी इससे भी भरे भरे डिज़ाइन थे, मतलब मुझे ये पसंद आया। अच्छा जी, फिर इसका ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका काफ़ी खूबसूरत दुपट्टा है इसका, तो इसका दुपट्टा है, और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, काम भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इस तरह का भी दिखा दूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। तो अगर ऑर्डर करने हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है स्क्रीन पर, आप उन पर मुझे मैसेज कर ले, और एक मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज कर दिया करें, रिटर्न कर दिया करें, लेकिन कभी कभी फ़ोन करते हैं आप लोग तो फ़ोन का ये होता है कि अक्सर मेरे पास टाइम नहीं होता, या फिर मैं किचन में होती हूँ या फिर मैं बाज़ार में होती हूँ, तो मैं फ़ोन नहीं उठा सकती। और मैसेज का ये है कि आप लोग जब मैसेज करते हो तो चले मैं थोड़ा फारिग होने के बाद आप लोगों को रिप्लाई दे देती हूँ, और अक्सर मैं फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि फ़ोन उठाने में, बात करने में बंदे का टाइम लग जाता है। तो बस ये वाले सूट भी मैंने दिखाने थे आपको, मैंने ये वाले सूट भी दिखा दिए। उसके बाद कुछ मुझे ऑर्डर आए थे जो कि मैंने आज वो भी लेकर आ गई हूँ। ये वाली शर्ट मैं पहले भी मैंने ली थी, अब इस दफ़ा फिर मैंने ली है, ये ज़री बरोशिया शर्ट है, और उसके अंदर जो ये सरह का ये पत्ता सा बना हुआ है, इसके अंदर ये स्टोन सारा स्टोन का काम हुआ हुआ है, तो ये ज़री बरोशी भी काफ़ी डिमांड में है। ये भी तकरीबन अब इसमें भी कलर काफ़ी ख़त्म हो गए हैं, बस इसमें कुछ ही कलर रह गए हैं। तो बस अक्सर कपड़े होते हैं वो तकरीबन 10-15 दिनों बाद ही वो वाला कपड़ा मतलब ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसमें कलर नहीं होते। तो ये भी एक शर्ट है, ये भी मैंने ले ली है, इंशाल्लाह इसको भी मैंने डिस्पैच करना है। इसके अलावा बरूशे की 2 कमीज़ें लेनी थी, मतलब कमीज़ दुपट्टा लेने थे, वो भी मैंने ले लिए हैं। बस यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।